चतुर्वेदी जी की हमारे सामान क्या है कि मंत्री सांसद जयपुर के श्री रामचंद्र गोरा मोहन जी गुप्ता हमारे विधायक हैं जयपुर किशन श्री मोहंती जी अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल विभाग के मेरे सामने बैठे हुए अध्यक्ष राजा सिंह जी गहलोत कबड्डी संघ मैं देखती जयपुर सब लोग यहाँ जो आए हुए हैं आज सब लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं जिन लोगों को प्राइजेस मिले हैं सब दूसरे खिलाड़ी जो उनके साथ आए हुए हैं और उनके सब परिवार वाले भी यहाँ हैं मैं आज आप लोग सबको बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगा बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित गुरु वशिष्ठ सम्मान पाने वाले गुरु प्रशिक्षक राजे के साथ से सम्मानित होने वाले नवोदय खिलाड़ी पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड पदक विजेता श्री झाझड़िया और अर्जुन पुरस्कार विजेता अपनी तो है श्री रजत चौहान मार आप लोगों को मैं अभिनंदन देती हूँ और देश और दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम आप लोगों ने रोशन किया उसके लिए आप सबको बहुत सारी बधाइयां आप देना चाहेंगे जो खेल का इम्पोर्टेंस है सारा चौथे साल के अंदर हम लोगों ने उस एरिया पे काम करना शुरू किया जो भी सरकार आती है सबसे पहले सड़क बिजली पानी हुई चीजों के साथ पहुंचती है परंतु हम लोगों ने इस बार ये सोचा कि शिक्षा के साथ हेल्थ के साथ स्पोर्ट्स को भी आगे ले जाने का काम हम लोगों को इस बार करना चाहिए क्योंकि शिक्षा और हेल्थ ये दोनों चीज स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं और ये तीनों चीज युवाओं के साथ जुड़े हुए इसलिए बहुत जरूरी है कि इसकी तरफ हम लोग ध्यान दें क्योंकि बहुत बड़ा तबका इतनी बड़ी एनर्जी ये सब इस फील्ड के अंदर जा सकती है जिस फील्ड के अंदर एक जमाना था जब राजस्थान का नाम रोशन हुआ करता था और मैं मानती हूं कि आने वाले समय के अंदर भी हमारे ऐसे ऊर्जावान खिलाड़ी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपना प्रतिभा की प्रतिभा को भार भी सकते हैं और देश के अंदर राजस्थान का नाम भी हमें आप रोशन करा सकते हैं बहुत सारे जो थे यहाँ साइकिलिंग के फील्ड से निकल के आए थे तीरंदाजी तो हमारे मेन गेम है मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हमारा मीडिया शुरू करने के बाद एक्सपेक्टेशन मेरा यह है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर राजस्थान को छोड़ते हुए किसी को ये स्वर्ण पदक तो मिलना नहीं चाहिए इसलिए मुझे बहुत खुशी है आज उसको भी देखे जिन्होंने गोल्ड भी किए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी उसके अंदर किया है तो साइकिलिंग की भी मुझे बहुत खुशी थी कि साइकिलिंग का वेलोड्रोम न हो देते रहे थे छह लोग ऐसे थे जिन्होंने साइकिलिंग के अंदर राजस्थान का नाम रोशन किया है अब मैं कुछ दिन पहले इस वेलोड्रोम को भी देख के आई थी जब मैं निकाले गई थी और मैंने कहा था कि मैंने अपने नाम के साथ जुड़ा हुआ वेलोड्रोम है इसको क्या आप क्लिक कर सकते हैं क्या इसको यूज कर सकते हैं तो पता हुआ कि इसकी जो ये मुद्राले पैटर्न के ऊपर बना हुआ है और इसकी हालत अभी इतनी खराब है इसको तो यूज अब नहीं किया जा सकता अगर कुछ हो सकता है तो पूरा डिस्ट्रॉय करके नए सिरे से उसको थोड़ा करने का काम हो सकता है परंतु इसका कॉस्ट है मेरे को बताया करीबन 17 से 20 करोड़ रुपए सिर्फ वेलोड्रोम के अंदर हम लोगों को लगाने की जरूरत है परंतु मैं मानती हूं कि जब छह लोग यहां से जाके अलग अलग जगह से प्रशिक्षित होके आके खींच गए हैं तो ऑब्वियसली साइकिलिंग के सबके खून में है और जब है खून में तो अपने को भी कहीं ना कहीं कैसे न कैसे का इस्तेमाल करना है मैं मानती हूं कि जब मन लग जाता है और कोशिश करते हैं तो जिस तरीके से अभी आपने टेनिस के लिए बैडमिंटन के
के लिए सीएसआर का इंतजाम किया है, उसमें सरकार और सीएसआर दोनों जुड़ के इस जरूरतों को भी कर सकते हैं, इसके बारे में आपने भी सोचा। ये तो अभी कुछ कुछ बात है, अभी बास्केटबॉल अरेना है, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, क्रिकेट अरेना है, देखा कि बहुत सारे यहाँ क्रिकेट प्रेमी हैं और इनका इंडोर आकर बैडमिंटन हॉल का शिलान्यास हुआ, टेनिस टेनिस अरेना का शिलान्यास हुआ। और मैं ये देख रही थी कि आपके कई टेनिस ऊपर स्क्वॉश अकेडमी अब आप लोगों के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, जॉगिंग ट्रैक का निर्माण चल रहा है, तीन सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट आपको शहरों के निर्माण आदि में बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, तो देखने में आएगी। इस तरीके से अगर अपन स्पोर्ट्स के अंदर ध्यान देंगे तो ऐसे में स्टेडियम अकेला नहीं है, कबड्डी का तो आप लोगों ने काम शुरू कर ही दिया है राजस्थान के अंदर स्टेडियम के अंदर, कहा पर ये स्टेडियम के अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि अभी तो हमने कुछ सीखा है, परंतु तीन स्टेडियम और हैं आप वहाँ जयपुर जयपुर के अंदर, चाहे वो विद्यालय है, चाहे वो चौगाव है, चाहे वो मोदी और अलग से सीखा है, उन सबको एक अलग रूप देंगे, एक स्पेशल गेम को आप समर्पित अगर कर देते हो तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा स्पेसिंग आउट भी हो जाएगा और चार सीरीज और अच्छे हैं प्रभावी यहाँ बन जाए। मुझे बहुत खुशी है ये देख के कि आपने खाली जयपुर जयपुर के ऊपर बहुत सक्सेस नहीं किया है, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब भी बड़ा काम होता है तो सब जयपुर के अंदर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस डिस्ट्रिक्ट के करीब 17-18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों ने अलग अलग जगह पे स्टेडियम्स के काम चालू किए हैं और वो स्टेडियम कुछ दिनों के अंदर ही खुलेंगे और वहां के बच्चे वहीं ही अपने खेल में प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि यहां आने की जरूरत नहीं है। एक आपने ये भी सुझाव दिया था कि यूथ हॉस्टल को भारत सरकार का ऐसे पड़ा हुआ बात करें कि अपन लोग देखेंगे कि उसको सही तरीके से रन अराउंड कर सकते हैं, तो बाहर के बच्चों को रहने के लिए भी जगह यहां जयपुर के अंदर उभर सकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने का हम लोगों ने सोच रखा है। मैं वर्ष 16-17 में आपको ये ध्यान दिलाऊंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोल्ड 7 सिल्वर एंड 8 कांस्य पदक हम लोगों को मिले हैं। ये इसमें छोटी बात नहीं है, मैं आज सबको आपकी और रिजर्व अपील है और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा रिकॉर्ड में जो आप लोग पहले मिला करते थे उसमें आज मिल रहे हैं, उसमें फर्क है 33 गोल्ड 36 सिल्वर 31 ब्रॉन्ज, ये हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी जीता है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है और अगर इन लोगों को उस तरीके की मदद मिल जाती है, अच्छे कोच वगैरह आ जाते हैं, तो आने वाले समय के अंदर भी अपने को ये देखने को मिलेगा कि राजस्थान और बहुत कुछ आगे चला जाएगा। हमारे खिलाड़ियों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए ये बास्केटबॉल हॉकी और फुटबॉल के अंदर फॉरेन कोचेज की प्रशिक्षण दिलवाने का काम भी हम लोगों ने चालू कर दिया है। मैं समझती हूँ कि इसमें से बच्चे अच्छे कुछ निकल के आएंगे तो उसका फायदा भी अपने को राजस्थान के अंदर मिलेगा। क्रीड़ा परिषद के 205 अल्पकालिक प्रशिक्षक नियुक्त करके प्रशिक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाने का काम हम लोगों ने शुरुआत की है। अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और निःशुल्क एवं रियायती दर पर मकान और भूमि आवंटित करने का हम लोगों ने सोच रखा भी है और बहुत ही जल्दी मैं समझती हूँ कि ये भी हो जाएगा। सरकारी सेवा में बहुत सारे लोगों ने मेरे को बार बार कहा था कि इसके अंदर भी आप लोगों को देखने की जरूरत है, तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनको राजकीय सेवा में आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का प्रस्ताव आगामी मैंने कल के ही कैबिनेट में लगाया जा रहा है, इससे इन खिलाड़ियों को जो उनकी पात्रता पूर्ण होने पर सीधे ही इनको नियुक्ति मिल सकेगी। ये भी कल कैबिनेट में आ जाएगा और मैं समझती हूँ कि इसका भी आपको फायदा मिल सकेगा। जो हमारे प्रदेश में 60 ईयर्स से अधिक उम्र की जो विशिष्ट श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनके लिए एक पेंशन योजना भी प्रारंभ की जाएगी, जिसका मैंने बजट के अंदर भी जिक्र किया था। जनजाति समुदाय की जो लोक संस्कृति और कला
ये संरक्षण के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर पर राज्य स्तरीय खेल और युवा सांस्कृतिक महोत्सव अपने से आयोजित करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी स्पेशल कला, उनकी स्पेशल स्पोर्ट्स की लिंकेजेस, उन चीजों को फिर से एक बार जिंदा करना चाहेंगे। एसएमएस में एस्ट्रो टर्फ, एक मेडिटेशन सेंटर, सिंथेटिक ट्रेनिंग ट्रैक, ये भी नए सिरे से कर रहे हैं। चौका सिंह जैसे मैंने आपको बताया, बास्केटबॉल, इंडोर बॉल, और नेक्स्ट ईयर थ्रू द स्पोर्ट्स नीति हम इस कोशिश में हैं कि क्षेत्र के अंदर पीपीपी के अंदर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड प्राइवेट एरिया के अंदर एक स्पोर्ट्स अकेडमी हम स्थापित करना चाहते हैं, अच्छे लेवल की स्पोर्ट्स अकेडमी, जिसकी वजह से बच्चों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है उसको यही राजस्थान के अंदर हम ढूंढ भी लेंगे और उसको प्रशिक्षित भी करेंगे। सभी साथी को सब लोगों को जिन्होंने ये काम किया था, कहा ऐसे भी बढ़ गए बाड़ा के सब लोगों को जिन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट से थी, और इस पार्टी को आप प्लीज मेरी तरफ से जरूर कहेंगे आई वेरी अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू हैव बीन सो सपोर्टिव ऑफ अस फॉर योर बैडमिंटन लेक एरिया, दैट इज वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच सपोर्ट। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स के शिखर को अभी तक इन लोगों ने छुआई नहीं, ये तो हमारी शुरुआत है, और मैं मानती हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है, इस एरिया को बढ़ावा देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस लाइन में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और मैं ये चाहती हूँ कि कोई एक स्पेशल स्पोर्ट नहीं होगा, परंतु जब आप राजस्थान के लोग यहां से बच्चे जाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो बहुत सारे टीम्स के अंदर अपनी एक्सपर्टीज दिखा सकेंगे आने वाले समय में, और उसको सोच समझ के हमने आपको एक पत्नी कैसा दिया है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स के चैंपियन हुआ करते थे, तो वो कहते हैं कि जो बीमारी वाली मत में कह रही हूँ कि वो स्पोर्ट्स चैंपियन थे इंटरनेशनल, इसीलिए हमने कहा कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समझेगा स्पोर्ट्स क्या होता है, हर एक आदमी के स्पोर्ट्स को उसकी लगन को समझने की कोशिश करेगा और उसको ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले सीमा के लोग आए थे देखने के लिए, बात करने के लिए, इस साल आपको सबको मालूम है कि सीमा हिंदुस्तान आएगा, मैं भी इसकी कोशिश में हूं उनके साथ कुछ हमारी बातचीत हो जाए, तो एक स्पोर्ट्स सेंटर क्योंकि उनका जो उनके जो एक्सपर्ट्स है उनका मेडिसिन क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन का सेंटर उनकी ओर से, और अगर एक अच्छा स्टेडियम उनके मन आ जाता है, आप लोग अच्छा स्टेडियम को इनको दिखा देते हैं और उनका मन आ जाता है, तो क्या मालूम आगे आने वाले समय के अंदर उनकी ओर से भी इंटरेस्ट जताया जाएगा, और फीफा भगवान चाहे तो हो सकता है कि राजस्थान में आपको देखने को मिले, तो अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ अपने को इस फील्ड में करना है, मेरा मानना है कि अपन इसमें आगे बढ़ेंगे, इसका अच्छा काम होगा, हमारे यूथ इसमें पूरी कोशिश करेंगे, और आज जहां मैं गई थी, चाहे आप टेनिस में हो चाहे क्रिकेट में हो, छोटे 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 मेरे को दिखे जिनका इंटरेस्ट इस गेम की इन गेम के अंदर है, और मुझे मालूम है कि सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके लोग उनके बच्चे पढ़ाई अच्छा करें परंतु गेम्स में भी इंटरेस्ट लें, क्योंकि देर इज नो अदर वे, अगर आपको पढ़ाई भी अच्छी करनी है तो यू नीड अ हेल्थी माइंड हेल्थी बॉडी बिकॉज ओनली देन कैन यू हैव अ रियली हेल्थी माइंड, सो ऑल माय कंडीशंस टू ऑल दोस पीपल हु हैव वन prizes internationally, nationally and also here, and I pray to God that you go from strength to strength and you make people of Rajasthan proud of you and you make the people of the world and of this country understand the power of the young people of Rajasthan. So with all that, congratulations to all of you all over again. I look forward to seeing your name in the